हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुदेशना है और मैं आज आप लोगों के साथ फिर से एक नया रिव्यू वीडियो शेयर करने आ गई हूँ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उस बेल बटन को भी हिट कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। तो और ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज आप लोगों के साथ गुड वाइब्स ग्रेप फ्रूट क्लेंजिंग स्क्रब का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। ये जो स्क्रब है वो एक अफोर्डेबल रेंज में बहुत ही अच्छा स्क्रब है। और ये जो स्क्रब है वो पैराबिन फ्री है, सल्फेट्स फ्री है एंड क्रुएल्टी फ्री है। और आपको 50 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट मिल जाएगा ₹195 में। सो purple.com में हमेशा सेल चलता रहता है, तो आपको इजीली इसके MRP से कम में आपको ये मिल जाएगा। मैंने जब खरीदा था मुझे ये 150 के अराउंड पड़ा था, आप 195 से कम में मिल जाएगा। तो सबसे पहले पैकेजिंग की बात करें तो ये बाकी गुड वाइब्स के प्रोडक्ट जैसा ही इसका ये गोल्डन एंड वाइट कलर का पैकेजिंग है, जो कि बहुत दिखने में स्लीक लगता है। पर मैंने जो पिछले बार जो नाइट क्रीम दिखाया था, ये बॉटल उतना भी डेलिकेट नहीं है, ये थोड़ा सा हार्डी बॉटल है। और आपको इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए मिलेंगे। तो सबसे पहले सामने यहाँ पे मेंशन किया हुआ रहेगा इसका नाम, और नो पैराबिन नो सल्फेट एंड क्रुएल्टी फ्री। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो ग्रेप फ्रूट है उसके आपके स्किन में क्या बेनिफिट्स है वो, और इस साइड में आपको सारे इंग्रेडिएंट लिस्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट मिल जाएगा। तो चलिए इस स्क्रब को कैसे यूज करते हैं वो देख लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले अपने फेस को अच्छी तरह से फेस वॉश से क्लीन कर लिया है। उसके बाद मैं इस स्क्रब को अपने हाथ में थोड़ा सा लूँगी और इसे अपने वेट फेस में डॉटेड मोशन में अप्लाई करूँगी। उसके बाद मैं इसे जेंटली मसाज करूँगी 5 to 10 minutes तक। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप बहुत ही रफली ना मसाज करें, उससे आपके स्किन में माइक्रो टीयर्स आ सकते हैं, इसीलिए आपको इसे जेंटली मसाज करें। आप जब इससे मसाज करेंगे तो मेक श्योर कि आप ड्राई मसाज मत कीजिएगा, नहीं तो वो भी आपके स्किन में माइक्रो टीयर्स ला सकते हैं। आप इसे जब भी आपको लगेगा ये थोड़ा सा ड्राई हो रहा है, आप थोड़ा सा हाथ में पानी ले सकते हैं, नॉर्मल वाटर भी ले सकते हैं या फिर रोज़ वाटर भी ले सकते हैं। मैं तो स्पेशली रोज़ वाटर ही यूज़ करती हूँ। तो आपको ऐसे ही जेंटली मसाज करना है और आपको इस स्टेप को वीक में 2 times करना है। इसको करने से आपके जो डेड स्किन सेल्स है ना वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाएगी और आपकी स्किन डीप क्लीन हो जाएगी। तो ये जो स्क्रब है ये एक क्रीम बेस स्क्रब है, जो कि जिनके बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन है उनके लिए ये स्क्रब बहुत ही परफेक्ट है। और इस स्क्रब के जो पार्टिकल्स है ना वो बहुत ही जेंटल है, बहुत ही माइल्ड है, जो कि आपके मतलब स्किन को बिल्कुल इरिटेट नहीं करते। अगर आपकी सेंसिटिव भी स्किन है तो भी आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं, ये स्क्रब इतना जेंटल है। ये जो स्क्रब है वो एक क्रीम बेस्ड स्क्रब है, इस वजह से ये आपके स्किन में जो इम्प्योरिटीज़ है मतलब जो इम्प्योरिटीज़ है वो उनको बहुत ही अच्छी तरह से मेल्ट करके निकालने में हेल्प करेगा। और ये जो स्क्रब है ये आपके स्किन को मतलब आपके स्किन में जितने भी डेड स्किन सेल्स है उसको भी बहुत ही अच्छी तरह से रिमूव करने में हेल्प करेगा। सो अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और अगर आप कोई प्रोडक्ट का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उस बेल बटन को भी हिट कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो बाय बाय।